नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खाचरोद में आईपीएल क्रिकेट का सट्टा कारोबारी अनिल उर्फ भूरू दलाल का अवैध निर्माण मकान पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। पिछले कई वर्षों से आईपीएल सट्टा कारोबार में लिप्त था। पुलिस ने कारोबारी को घर पर रंगे हाथ सट्टा खाईवाली करते टीवी, मोबाइल और लाखों की नकदी जब्त कर गिरफ्तार किया था। वही आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसको जमानत मिल गई थी। सट्टा कारोबारी के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद रोड पर बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क पर 15 किलोमीटर तक गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। इस सड़क से 30 गांव के किसानों का आना जाना भी लगा रहता है। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में दो पहिया वाहन इन खड्डों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पारसूतिया के स्कूल जाने वाले बच्चे ने बताया कि कई बार साइकिल की रिंग टूट गई। सड़क पर डामरीकरण का कार्य 6 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले इसकी दुरुस्तीकरण कार्य किया गया था। बारिश ने सड़क को छलनी कर दिया, गड्ढों को भरा नहीं गया, जिससे अब तक 5 इंच तो कहीं पर 1 फीट तक गहरे और 4 फीट चौड़े गड्ढे हो गए हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो नागदा खाचर जो मार्ग है, बहुत ही विशेष तरीके से खराब हो चुका है। आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। उमंडी के अंदर जो एक पुलिया बना रखी है, उस पुलिया के ऊपर इतने गड्ढे हैं कि वहाँ पे क्रॉसिंग करना, मतलब ओवरटेक करना भी बड़ी मुश्किल का मैदान है। अगर उसके कारण हो सकता है कहीं ना कहीं उस पुलिया के अंदर कोई ना कोई गाड़ी जाने की बहुत संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर के बिंज बायला के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने सोमवार को उप तहसील का घेराव करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को घमूड़ वाली पुलिस थाना में व्यापारियों द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के प्रकरण में पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर समस्त व्यापारियों ने घमूड़ वाली थाने का घेराव कर अपना प्रदर्शन किया। ऐसे में बींज बायला मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। आक्रोशित व्यापारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बूंदी जिले में चल रही रोडवेज बस केशोराय पाटन से बूंदी जा रही थी। इसी दौरान केशोराय पाटन और तालेड़ा के बीच में सुवासा के पास यातायात पुलिस निरीक्षक कोटा ने बस को सुवासा के पास रुकवा कर यात्रियों के टिकट की जांच की। टिकट चेकिंग के दौरान बिना टिकट मिली 4 सवारियों को पकड़कर उन्होंने रेड मार्क लगा दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। 4 सवारी बिना टिकट पाए गए। बिना टिकट पाए गए, तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? कार्रवाई, हमने 4 सवारी का इसको रेड मार्क रिपोर्ट, मतलब रेड मार्क लगाया, 4 सवारी का रिमार्क लगाया और इस पर मतलब हमारी जो विभागीय कार्रवाई होती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के ननबई पंचायत समिति सभागार में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देशन पर पुलिस उप अधीक्षक अनूप यादव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें आंगन संस्था महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सखियों को प्रशिक्षित किया। शिविर में पुलिस उप अधीक्षक ने समाज में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए महिलाओं को जागरूक होना जरूरी बताते हुए महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं को पुलिस का सहयोग करने का संदेश दिया। सुरक्षा सखी जो है राजस्थान पुलिस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और महानिदेशक पुलिस साहब की सीधी सुपरविजन में ये प्रोग्राम संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र बिश्नोई जी के निर्देशानुसार आज नदवई व्रत में सुरक्षा सखी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आंगन संस्थान जो एक NGO है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में मेरे अलावा तीनों थानाधिकारी मौजूद रहे। ये जो आज मीटिंग हुई, ये ट्रेनिंग था। राजस्थान पुलिस की पहल है सुरक्षा सखी नाम की, जिसमें हर थाने के साथ पुलिस कोशिश कर रही है महिलाओं को जोड़ने की, ताकि महिला और बच्चों के जो भी मुद्दे हैं, जो भी उन्हें तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, उसका हल निकले पुलिस के साथ मिलके। तो उसी के बारे में हम ये ट्रेनिंग कर रहे थे। 3 थानों से महिलाएं आई थी, उज्जैन से, नदबई से और लखनपुर से। नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1,97,000 रुपयों के नकली नोट भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए सभी नकली नोट 2,000 और 500 रुपयों के हैं। ये पूरी कार्रवाई अजमेर रेंज IG एस सेंगथिर और नागौर SP अभिजीत सिंह की मॉनिटरिंग में लाडनू CI राजेंद्र कमांडो द्वारा की गई।
एसपी अभिजीत सिंह ने डीडवाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लाडनू के सहरियाबास निवासी बुंदू खां पुत्र मुस्ताक खां कायम खानी गुरुवार रात को नकली नोट सप्लाई करने जा रहा है। इस पर पुलिस ने डीडवाना रोड पर पुलिया के पास खड़े बुंदू खां को पकड़ लिया। बुंदू खां वहां किसी को नकली नोटों की सप्लाई देने की फिराक में था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3,50,000 के नकली नोट आने वाले हैं, लेकिन बुंदू खां के पास से पुलिस को 1,97,000 के नकली नोट ही बरामद हुए। पुलिस ने आशंका जताई कि पकड़े जाने से पहले ही करीब 1,50,000 के नकली नोट सप्लाई कर दिए गए थे। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। जो है बड़ा ब्रेक थ्रू नागौर पुलिस को मिला है, जिसमें अहम भूमिका हमारे एडिशनल साहब, सीओ साहब और हमारे एसएचओ लाडनू राजेंद्र कमांडो जी की रही। राजेंद्र कमांडो जी की टीम में उनके साथ गजेंद्र और बाबूलाल और रामधन, ये चार लोगों ने मिलकर बहुत ही इसको अपने ही बीच रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें एक बुंदू खान की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास लगभग 2,00,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं, 1,97,000। बुंदू खान का जो लिंक है वो रफीक खान से है। रफीक खान को अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एसओजी ने नकली नोट के मामले में ही उठाया था और इसके आगे हम लोग इसमें तफ्तीश करेंगे कि इसका नेटवर्क और कहां कहां है, कहां से ये नोट खरीद कर ला रहे हैं और किस तरीके से किस किस को इन्होंने अभी तक जो है नकली नोट बेचा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।